किसानी इतना घाटे का सौदा बना दी गई, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलते। चाहे आप बात कर लें, आप बाजरा की बात कर लें, इसका समर्थन मूल्य 2250 रुपए क्विंटल, लेकिन वो मार्केट में बिक रहा है 1000 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल। और ये मैं तमाम राज्यों की बात कर रहा हूँ, चाहे बात हरियाणा की हो, चाहे बात राजस्थान की हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग। ये बातें इन पर हमने विस्तार से चर्चा की है, पर अभिमन्यु देखिए आज की ये तारीखी दिन है 19 नवंबर। आज सरकार ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। अब कदम बढ़ाने की, एक कदम उठाने की आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना अभिमन्यु? संदीप जी, हम ये कह रहे हैं, देखिए ये 3 कृषि कानून तो एक नई मुसीबत लाई गई थी हमारे ऊपर, जो अभी वापस हो गई है। जो मुसीबत, सवाल ये उठता है कि हमें नया क्या हासिल हुआ, जो हमने 750 से अधिक कुर्बानियां दी, जो हम धूप में, जो हम बारिश में, जो हम ठंड में सड़कों में टिके रहे, हमें आतंकवादी, खालिस्तानी, मवाली, क्या क्या बोला गया, हमने सब कुछ सहन किया और हमने देश के संविधान के अनुसार, लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों के अनुसार जो संघर्ष किया, उस संघर्ष में हमें नया क्या हासिल हुआ, ये तो सवाल है ना। जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिलता, जब तक हमें नई चीज हासिल नहीं होती जिसका हमने मांग की थी, तो तब तक आंदोलन वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। एमएसपी की मांग पर भी आप अभी अड़े रहेंगे। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। संजीव, संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन एमएसपी का पेच अभी बना हुआ है, तो ये पेच किस तरह से बना हुआ है कि आंदोलन पीछे नहीं होगा, बॉर्डर पर डटे रहेंगे या बॉर्डर से हट जाएंगे पर सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे?